जय श्री राम दोस्तों, आप मेरे पीछे श्री राम भगवान जी का मंदिर देख रहे हैं। यह मंदिर हमारे इंदौर में ही है, तो चलिए मैं आज आप लोगों को श्री राम प्रभु जी के दर्शन करने के लिए चलता हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं हूँ आपका अपना दोस्त रोहित सोन। सो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इंदौर में एक ऐसी जगह बताने वाला हूँ जहाँ पर श्री राम भगवान जी का अस्थायी रूप से मंदिर बना हुआ है। तो यह मंदिर बहुत ही लोगों को लुभा भी रहा है, तो आज मैं यहाँ पर भी आया हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाने। तो मैं यहाँ पर आके आप लोगों को सब कुछ बताने वाला हूँ कि टाइमिंग क्या है, लोकेशन क्या है और आप लोगों को यहाँ पर कैसे आना है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन मेरी वीडियो में आप लोगों को मिलेगी, तो आप लोग मेरी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आप लोगों को यह मंदिर देख के बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अभी हम चलते हैं, चलिए मेरे साथ। अब हम प्रभु श्री राम जी के भव्य मंदिर में अंदर जाने वाले हैं और आप लोगों को राम भगवान के दर्शन कराने वाले हैं। चलिए मेरे साथ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राजा रामचंद्र भगवान की जय। ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इस टाइप का एक पर्चा भी दिया जाता है जिसमें आपको 11 बार जय श्री राम लिखना होता है। तो यह चीज़ पहली बार देखी है मैंने और मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही खुशी मिली। तो आइए हम लिखते हैं 11 बार जय श्री राम। चलिए, हमने जय श्री राम लिख दिया है, आप देख सकते हैं। अब यह पर्चा जो है ये अयोध्या जाएगा। लीजिए भैया, जय श्री राम भैया। अभी हमने प्रभु श्री राम जी की आरती का आनंद प्राप्त करा। इसके बाद यहाँ पर और भी क्या चीज़ है मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लोर करता हूँ। अगर आप यहाँ पर आरती में आना चाहते हैं तो रात के 8 बजे से यहाँ पर आरती स्टार्ट होती है, आप आरती में शामिल हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर और भी चीज़ें। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यज्ञशाला भी आपको देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर माना जाता है दर्शन करने के बाद अगर आप प्रक्रिया लगाते हैं तो आप लोगों के जो भी मनोकामना थी वो पूर्ण होती है। तो चलिए। तो दोस्तों, आप यहाँ पर आके गौ सेवा भी कर सकते हैं। आप गौ को यहाँ पर चारा वारा भी खिला सकते हैं ताकि आप लोगों को सेवा करने का मौका मिले। चलिए और आगे देखें। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि आप श्री राम प्रभु जी के दर्शन कब तक कर सकते हैं। तो यह नवमी में स्टार्ट बना था मंदिर, 9 अप्रैल को बना हुआ था। 17 अप्रैल से पहले ही आप श्री राम प्रभु जी के दर्शन कर सकते हैं। तो यह मौका ना गवाए और शीघ्र ही प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने आइए। अब मैं यहाँ पर आपको स्थान बताता हूँ। तो यह स्थान है हमारा दशहरा मैदान इंदौर। दशहरा मैदान इंदौर में प्रभु श्री राम जी का यह मंदिर का निर्माण हुआ है।
तो आप यहाँ पर आइए और 17 अप्रैल से पहले प्रभु श्री राम जी के दर्शन करिए। अब मैं आपको और भी चीज़ें बताता हूँ, चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों आपको यहाँ पर मेला भी देखने के लिए मिलता है और मंदिर के जस्ट अपोजिट में आपको मेला देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पर आपको फूड स्टॉल्स भी देखने के लिए मिलते हैं। ये देखिए आप फूड स्टॉल्स, और फूड स्टॉल्स के जस्ट बाजू में आप लोगों को यहाँ पर शॉप भी देखने की मिलती है। यहाँ शॉप में आपको होम डेकोरेट से लेकर क्लोथ्स वगैरह और भी ऐसी बहुत ही यूनिक चीज़ें देखने के मिल जाती है। तो चलिए मैं आप लोगों को दुकान के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों आपको दुकानों पर यहाँ पर इस टाइप से कपड़े भी देखने के मिलते हैं जो कि रेट भी बहुत रीजनेबल है। और ये आप देखिए यहाँ पर 4,500 रुपये ऐसे ऐसे बहुत सारी आपको दुकानें देखने के लिए यहाँ पर मिल जाती है। ये देखिए तो आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं और सभी बहुत ही यूनिक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसी और भी यूनिक दुकानें आपको यहाँ पर देखने के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो शॉप लगी है ये सब आपको यहाँ पर बहुत ही यूनिक चीज़ देखने के लिए। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी प्यारी डिज़ाइन किया गया है और ये सब आप खरीद सकते हैं यहाँ से और बहुत अच्छे रेट में, ये आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने आते हैं तो यहाँ पर आपको किसी प्रकार का कोई भी टिकट या शुल्क नहीं देना पड़ता है, यह बिल्कुल फ्री है। और आप लोगों को यहाँ पर राम भगवान जी के अगर दर्शन करना है तो आप नवमी तक दर्शन कर सकते हैं। यह नवमी के उपलक्ष पर मंदिर का निर्माण हुआ है। अब मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बता दूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन बहुत सही थी, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर आना। आप अपने फैमिली फ्रेंड्स मेम्बर के साथ यहाँ पर आइए, ये बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक आप लोग नई वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। तो और भी ऐसी वीडियोज़ में आप लोग बनाते रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय।